पासपोर्ट ले लेता हूँ आने का। थैंक यू जस्ट वन मिनट। थैंक यू। सर एक लास्ट लुक है अतुल सर यहाँ से लो अतुल सर लाइट अतुल सर अतुल सर यहाँ से लो सर एक सर एक सर एक अतुल सर मेरी ये पहली शॉर्ट फिल्म है और इसका जो सब्जेक्ट है वो मेरे बहुत करीबी है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करती है ये फिल्म। तो आज लोग इसे देखेंगे और मामी में ये फिल्म स्क्रीन की जाएगी, पहली बार पब्लिक स्क्रीनिंग होगा इसका। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि शॉर्ट फिल्म मैंने पहली बार की है तो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं उसे मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। आपके लिए काफ़ी टास्क रहा शॉर्ट फिल्म में काम करना? अलग है, ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है और इस फॉर्मेट में मैंने कभी काम नहीं किया था। तो जी हाँ, एक एक्टर के लिए सोचने का तरीका अलग होता है एक शॉर्ट फिल्म के लिए, तो उस मायने में बिल्कुल अलग था। ये एक पार्ट टाइम जर्नलिस्ट है जो खुद की जो बात है उसे कहना चाहता है हमेशा, और इसलिए वो पार्ट टाइम है। वो एक दूसरे जॉब से पैसे कमाता है और लिखता रहता है जो उसे चाहिए। तो इस तरह का किरदार है और सवाल उठाती है ये फिल्म कि जो हमें लगता है क्या उसे हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो उसके बारे में ये फिल्म बात करती है। साक्षी जी का काम मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ लेकिन उनके साथ काम करने का मौका कभी मिला नहीं था, जो इस फिल्म की वजह से मिला तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं और अतुल काफ़ी काम कर चुके हैं और हिंदी में हम पहली बार काम कर रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मीरा नायर जी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मास्टर कट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये सब छोड़ के एक बहुत अच्छी स्टोरी और कमाल का कैरेक्टर, मुझे लगता है इतना इंटेंस फिल्म है और काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है, तो प्ले करने में काफ़ी मज़ा आया। साक्षी जी के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ तो एज़ ही सेड मैं भी बहुत साल हम सभी उनके काम को फॉलो कर रहे हैं तो उनके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आया। और राहुल उनकी पहली फिल्म है और बिल्कुल फर्स्ट टाइमर जैसे नहीं थे वो, बहुत ही क्लियर थे और काफ़ी मज़ा आया फिल्म करने। यंग है, एम्बिशियस है और थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है और इमेच्योर है, लेकिन उसको लगता है कि वो बहुत मच्योर है, उसको लगता है कि उसको सब आता है। और बेसिकली इट्स अ फादर सन स्टोरी, ये फैमिली की स्टोरी है, वो माँ बाप और उस उनके बेटे की, तो किस तरह वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है बाप और बेटे में और किस तरह माँ उसको संभालते हुए चलती है, दैट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्टोरी। और नहीं हमारे यहाँ उल्टा है, हम दोनों इतना काम कर चुके हैं और ये जो साहब हैं वो इस तरह से मुझे ट्रीट करते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, मुझे दब के रहना पड़ता है इनके साथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सब हंसी मजाक में चल रहा है, लेकिन दिस इज़ आर रिलेशनशिप, हम दोस्त हैं। तो मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो काफ़ी मुझे डर लगता था क्योंकि अतुल जी है और यू नो उनका वो ऑरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है एंड वे गुड फ्रेंड्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसा ही चलता रहा और ऐसे ही चलता रहे। ऑल द बेस्ट। अरे बाइट वो साइड करो यार आगे जाकर पोस्टर।